नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी। आप देख रहे हैं ग्लोबल देसी रसोई विद शालिनी। दोस्तों, आज की मेरी रेसिपी है ये ताजे भुट्टे के दानों से बना हुआ ये चीला, जो कि बहुत हेल्दी होता है। और ये टिफ़िन में आप दीजिए या अपने नाश्ते में खाइए। बनाना भी बहुत आसान है, तो आइए देख लेते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये ताजे भुट्टे के मैंने दाने निकाल के उसका पेस्ट बना लिया था, और उसमें ये 3 चम्मच बेसन डाल दिया, 2.5 चम्मच के करीब हल्दी है ये, नमक मिला लेते हैं, और इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया थोड़ा, और ये थोड़ी कुछ कटी हुई सब्जियां, टमाटर है ये, धनिया की पत्ती, हरी मिर्ची, प्याज महीन कटा हुआ, आप गाजर भी डाल सकते हैं इसमें, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, सब्जियां अपनी मनपसंद की कोई भी आप डाल सकते हैं। और ये भुट्टे का पेस्ट मेरा 1.5 कप था, तो उस हिसाब से सारा मैंने, और अब थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल के इसको एक गाढ़ा ऐसे बैटर की तरह से बना लेते हैं। धनिया की पत्ती डाल देते हैं आप भी, और इसमें कोई भी सोडा इनो कुछ भी नहीं था, क्योंकि चीला बनाना है हमें। ये पैन में थोड़ा घी लेके इसको फैला लिए और इस तरह से पेस्ट को डाल के ऐसे फैला लेते हैं और ढक लेते हैं। 5 मिनट के बाद ऐसे हल्का सा ऑयल उस पर से ऊपर डाल के और ऐसे स्प्रेड कर देते हैं, और थोड़ी देर फिर ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। तो ये 7 मिनट के बाद देखिए कितना प्यारा कलर आया है हमारे चीले पे। तो इस तरह से तैयार हो गया हमारा भुट्टे का चीला। अभी दूसरा फैला लेते हैं इसी तरह, सेम इसी तरह से सारे बना के तैयार कर लेते हैं। तो तैयार है हमारे भुट्टे के चीले। तो दोस्तों, रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा, और देखते रहिए ग्लोबल देसी रसोई विद शालिनी। तो फिर मिलते हैं नई एक इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।